हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स मिर्जापुर रोड दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन टावर चौक दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स द फाइनेस्ट बेकरी शॉप नाउ ओपेंड एट बेलवागंज लहेरिया सर। श्री लेदर्स अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक पानी टंकी लालबाग। सड़क दुर्घटना में बच्चे की मौत, दरभंगा बेनीपुर मार्ग पर हुआ हादसा, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क। धूमधाम से मनेगा दरभंगा जिले का 145वां स्थापना दिवस, इकतीस दिसंबर एवं 1 जनवरी को आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। बिहार में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ जाप का एक दिवसीय धरना एवं भूख हड़ताल, सीएम के इस्तीफे की मांग। और दरभंगा के लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी में सजी फूलों की बगिया, खूबसूरत फूलों संग प्यारे कांटों का। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट रामबाग किला दरभंगा, एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, विल एक्सपीरियंस प्रिंसिपल, टीचर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, मेड्स और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना चांदी डायमंड कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। सादर आमंत्रण, महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर क्षत्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड कर्पूरी चौक लहेरिया सराय दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है, आपके सपनों की उड़ान। TPMI लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने? पहले families होती थी हम दो हमारे दो. New generation family, हम और हमारे bros. Bro, can I get a burger? Bro, me too. Datsun ने देखा, इसलिए Datsun ने design किया new Datsun Go Plus. 5 नहीं, 5 plus 2 seats के साथ. क्योंकि जो पहले काफी था, अब नहीं. महावीर स्टोर्स अश्वनी कॉम्प्लेक्स अपोजिट वी मार्ट राजकुमारगंज मिर्जापुर रोड दरभंगा, कंप्लीट मेंसवियर रेडीमेड सूटिंग एंड शर्टिंग।
बस की तेज रफ्तार की चपेट में आने से एक 8 वर्ष के बच्चे की दुखद मौत। सुबह तकरीबन 12 बजे दरभंगा से रसियारी जा रही दरभंगा केसरी बस की चपेट में आ जाने के कारण शिवम कुमार मलिक उर्फ गोलू, जिसकी उम्र तकरीबन 8 साल थी, पिता शंभू मलिक, बताया जा रहा है बच्चे के पिता का नाम, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चिकनी गांव के स्थानीय लोगों ने दरभंगा कुशेश्वर स्थान पथ को घंटों जाम कर दिया। लोगों का गुस्सा देख 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी। गांव के लोग बता रहे थे कि शिवम अपने माता पिता की इकलौती संतान था। लोग तो आए बाद में देखे जो बच्चा एक्सीडेंट है, बस ऐसी जमा है, बच्चों ऐसी जमा है, यही हम बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे कि हम रोड पे नहीं देखते हैं, ठीक है। अब एक के बाद आज जो घटना हुआ, एगो पहिया चढ़ जाता है तो आदमी ब्रेक भी मार देता है, पहिया डबल डबल चढ़ा दिया। आज तकरीबन वही 11 बजे दरभंगा से बेनीपुर की ओर केसरी बस जा रहा था, तो यही हमारे ही पंचायत के शंभू मल्लिक का एक लड़का था गोलू, जो सड़क क्रॉस करने के दौरान उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। दरभंगा जिला का 145वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 31 दिसंबर एवं 1 जनवरी को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पुरुष एवं महिलाओं की मैराथन दौड़, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स, वॉलीबॉल एवं म्यूजिकल चेयर तथा जूडो कराटे आदि का आयोजन होगा। मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम लहेरियासराय में आयोजित होगा, जहां 31 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बहुभाषी कवि सम्मेलन आयोजन के मुख्य आकर्षण होंगे। 1 जनवरी को समाहरणालय परिसर लहेरियासराय में पौधारोपण कार्यक्रम तथा कैंडल प्रज्वलन किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी दरभंगा जिला स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अपने कार्यालय कक्ष में स्थापना दिवस के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को सभी काम समय पर पूरा कर लेने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम को व्यापक स्तर पर साफ सफाई को कहा गया है। कार्यपालक अभियंता PHED से कहा गया कि कार्यक्रम के अवसर पर पेयजल एवं अन्य जरूरी व्यवस्था करें। नजारत उप समाहर्ता को मंच निर्माण, साज सज्जा एवं बैरिकेडिंग आदि कर लेने को कहा गया। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि मैराथन दौड़ के अवसर पर यातायात व्यवस्था के नियंत्रण के लिए समुचित उपाय करें। 31 दिसंबर को नेहरू स्टेडियम में परिवहन मेला भी लगेगा, जिसमें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत चयनित लाभुक को जिला पदाधिकारी द्वारा चयन पत्र प्रदान किया जाएगा। इस मेला में वाहन एजेंसियां भी वाहनों के साथ उपस्थित रहेंगी। लाभुक अपनी पसंद से अपने वाहन का चुनाव कर क्रय कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत लाभुकों को अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाना है। बिहार में बढ़ रहे अपराध के खिलाफ जाप का 1 दिवसीय धरना एवं भूख हड़ताल करते हुए मुख्यमंत्री से की इस्तीफे की मांग। जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार के जिला मुख्यालयों पर 1 दिवसीय धरना एवं भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। इसी क्रम में दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर भी जन अधिकार पार्टी के दरभंगा इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 दिवसीय धरना सह भूख हड़ताल आयोजित हुआ। दर्जनों की संख्या में जाप कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए और अपना विरोध प्रकट किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कार्यकर्ता दीपक झा ने कहा कि बिहार के हर जिले को सूखाग्रस्त करने के साथ राज्य में बढ़े आपराधिक घटना में हो रहे बढ़ोतरी के विरोध में पार्टी के संरक्षक के आह्वान पर धरना दिया गया। बिहार में बारिश नहीं होने से किसानों का हाल खराब है। पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने भी अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाने की बात कही। माननीय सांसद पप्पू जी के आह्वान पर, जो हमारे पार्टी के संरक्षक और सांसद भी है, उनके आह्वान पर बिहार के तमाम जिला इकाई ने अपने जिला के मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना और अनशन का, ये भूख हड़ताल का कार्यक्रम किया है सरकार के विरोध में, क्योंकि सरकार हर लिहाज हर मुहाज पर फेल है। अपराधी सर उठा के बोल रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रशासन बिल्कुल निकम्मा और निरस्त हो गई है, और यहाँ पर सरकार और अपराधी के गठजोड़ से बिहार के अंदर सरकार चल रही है। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोगों ने भूख हड़ताल और इतना प्रदर्शन किया है। उसकी हम नीतीश कुमार की सरकार से ये मांग करते हैं कि वक्त रहते अगर ये चीज़ नहीं समेटा गया तो आने वाले वक्त में उनको सत्ता में रहने नहीं दिया जाएगा। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक माननीय सांसद पप्पू यादव जी के साथ सड़क और चेतन प्रदेश की लड़ाई बस मजबूती के साथ लड़ेगी।
दरभंगा में सजीव फूलों की बगिया, न केवल खूबसूरत फूल बल्कि प्यारे कांटों का भी लोग कर रहे हैं दीदार। 27वीं पुष्प प्रदर्शनी का हुआ भव्य उद्घाटन, 29 एवं 30 दिसंबर दो दिनों के लिए यह पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई है जो आम लोगों के लिए खुली है। 27वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि दरभंगा रेंज के आईजी पंकज दराद, डायरेक्टर सीआईडी क्राइम ब्रांच विपिन कुमार चौधरी, एसीजेएम आशुतोष खेतान, मेयर दरभंगा वैजंती देवी खेड़िया, हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की अध्यक्ष डॉक्टर लता खेतान एवं सचिव विनोद सरावगी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने यह बताया सबों ने कि आखिर किस तरह वो इसकी तैयारियां करते हैं और कैसे यह पूरा आयोजन संपन्न हो पाता है। कार्यक्रम में मंच संचालन किया तरुण मिश्रा ने। 27 सालों से 1992 में एनबीएचएस सोसाइटी नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तब शायद हमारे पास 10 से 12 पार्टिसिपेंट्स थे। आज हमारे पास 250 से अधिक पार्टिसिपेंट्स हैं और शायद दरभंगा में हर दूसरे घर में 10-20 गमले तो मिल ही जाते, लेकिन हम लोग ने अपना एजुकेशन का कार्य रोका नहीं। प्रस्तुत है उत्तरी बिहार उद्यान समिति ने यह प्रयास किया है कि हम प्रत्येक वर्ष कुछ ऐसी प्रतिभाओं को सामने मिलाए जो बागवानी से जुड़े और जुड़ी हुई है, तो उनको मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। 27 वर्षों से आप इस तरह का आयोजन कर रही हैं, तो निश्चित रूप से जब कोई काम हम करते हैं, शुरुआत करते हैं, उस काम में सफलता मिलती है, उत्साह दोगुना हो जाता है। तो निश्चित रूप से प्रथम वर्ष जो कार्यक्रम आपने किया होगा, उस कार्यक्रम के सफलता के कारण ही आपका उत्साह बढ़ता गया होगा, आज इस मुकाम पर पहुंचा है। इनका मेहनत 10 दिन से, कम से कम 10 दिन से बताया जा रहा है कि 10 दिन से ये फ्लावर शो को आयोजन करने में लगे हुए थे, और आज भगवान की बहुत मेहरबान है, इतना सुंदर मौसम है, शायद इससे अच्छा फ्लावर शो के लिए इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था। तो उन सभी आयोजकों को धन्यवाद कहता हूँ, और मैं पर्सनली बहुत दिल से इनको धन्यवाद कहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो फ्लावर्स मैंने देखे, जो वैरायटी देखे, अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के, एक साथ मैंने कभी नहीं देखा था, और बहुत सारे ऐसे वैरायटीज थे, बहुत सारे ऐसे थे प्लांट्स और फ्लावर्स जो कि पहली बार देख रहा हूँ। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये हम लोगों का पिछले 27 सालों से प्रयास है, तो आज का ये प्रयास नहीं था, 27 सालों से ये प्रयास तो किंग ऑफ द शो जो है नवीन भदौरिया जी को मिला है, क्वीन ऑफ द शो जो है मुन्ना सिंह जी को मिला है, प्रिंस ऑफ द शो जो है आपको विनोद भंसाली जी को मिला है, और प्रिंसेस ऑफ द शो जो है अवनी प्रकाश को मिला है। फ्लावर शो हम लोग हर साल करते हैं, ये 27वां साल है इस बार, और इस बार हम लोगों ने खासकर एज ए कन्वेनर मैंने स्कूलों को भी जोड़ा है। दो दिवसीय जीन माता महोत्सव 2018 का आयोजन 30 एवं 31 दिसंबर को शक्तिधाम मंदिर परिसर नाका नंबर 4 के निकट हो रहा है। 30 और 31 दिसंबर को आयोजित होने वाले पूरे कार्यक्रम के विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी गई शनिवार को। माता परिवार दरभंगा के तत्वावधान में दो दिवसीय जीन महोत्सव 2018 का आयोजन दिनांक 30 एवं 31 दिसंबर को शक्तिधाम मंदिर परिसर में किया जा रहा है। दो दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे पहले 30 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे से विशाल निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्त्री एवं पुरुष जीर्ण भक्त भाग लेकर माता के चरणों में निशान अर्पित करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके माँ का दर्शन करें और प्रोग्राम में भाग लें। हर वर्ष ये आयोजन होता है, दूसरा वर्ष है, हर साल होता है, इस बार दूसरा साल। मार्बल वर्ल्ड सैद नगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा, सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम,
होली क्रॉस स्कूल के सामने, दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने, दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर, 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरिया सराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए। बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान, विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक, डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार GK और GS पढ़िए ट्रिक के माध्यम से, मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरिया सराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, CRPF, ASM, TC, CC, SSC, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल, फ्री एडमिशन। खेल से आता है जीवन में अनुशासन, और अगर जीवन में आ गया अनुशासन तो फिर कोई मंजिल दूर नहीं। वक्ताओं ने बेबाकी से यह कहा। सदर थाना रोड कबीरचक स्थित डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल में आयोजित एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2018 के उद्घाटन के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत विभागाध्यक्ष बॉटनी मिथिला विश्वविद्यालय डॉक्टर शीला एवं निदेशक डॉक्टर सूर्य नारायण चौधरी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, स्पोर्ट्स के इवेंट दिखाए। और आज अपने उत्तरोत्तर विकास के दरमियान बच्चों के बीच खेल कूद का जो आयोजन किया जा रहा है, यह हम सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज है। इसके द्वारा आपको जो शिक्षा मिलती है कि आप जीवन में बिना किसी अवरोध के बढ़ते जाएं, और आपके मन में कहीं भी कठिनाई आने पर कोई मानसिक परेशानी ना हो, इसमें आपको स्पोर्ट्स मदद करता है। स्पोर्ट्स न सिर्फ खेल कूद से संबंधित है, बल्कि यह आपको मनोवैज्ञानिक विकास करने में, मानसिक विकास करने में भी सहायक होता है। और मेरी अपनी विश्वास है, मेरा अपना विश्वास है कि आप सभी लोगों को स्पोर्ट्स में रुचि रखने के बाद आप जीवन के हर क्षेत्र में बिना किसी कठिनाई के आगे बढ़ते जाएंगे। प्रांगण में प्रत्येक साल
स्पोर्ट्स का आयोजन किया जाता है और मेरा मानना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई जितनी जरूरत है उतना ही जो है शारीरिक विकास के लिए खेल कूद स्पोर्ट्स है और ये प्रत्येक साल दिसंबर से जनवरी तक में हम लोगों ने 3 कार्यक्रम का आयोजन किया है। एनुअल स्पोर्ट्स डे हमारा कल शुरू हुआ 28 तारीख को और क्लास 1 से क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों ने कल इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, जिसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं में बच्चों ने काफ़ी उत्साहित होकर उसका आनंद उठाया और बच्चों ने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। बच्चे बड़ी सोच रखते हैं वैज्ञानिकता के प्रति और सामाजिकता के प्रति भी। बच्चों ने अपनी इसी बड़ी सोच का, बड़ी प्रतिभा का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन के जरिए। मौका था दरभंगा कमतौल रोड पर बरियोल चौक पर अवस्थित सनराइज पब्लिक स्कूल में साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन के आयोजन का। डायरेक्टर आर के सर एवं प्रधानाचार्य रानी शाह के साथ उपस्थित थे बच्चे, मौजूद था पूरा विद्यालय परिवार, शिक्षक और शिक्षिकाओं की भी थी उपस्थिति। अतिथि के रूप में पहुंचे सिद्धार्थ कुमार झा और रानी झा ने भी बच्चों के इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। बच्चों ने भी न्यूज़ टुडे से बेबाकी से अपने द्वारा बनाए गए मॉडलों के बारे में शेयर किया। Stand properly, Ayush. What are you doing? बोले इनका ये उद्देश्य है कि बच्चों की माइंड की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना, जिसके लिए हम लोगों ने साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया है। ये हमारे स्कूल में फर्स्ट टाइम है जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि उस बच्चे का आगे और भी अच्छे डेवलप करें। हमारा स्कूल सनराइज पब्लिक के स्कूल बरियोल चौक दरभंगा, ये स्कूल बरियोल चौक में भले ही छोटा दिखता हो लेकिन पढ़ाई और एडुकेशन के मामले में बड़े स्कूल को मात देती है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्कूल और डेवलप करें, हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं और ज़्यादा डेवलप करें। इसके लिए हम लोग बहुत ही सहयोग कर रहे हैं और बच्चों को भी बहुत सारे मेथड बताए जाते हैं जिससे बच्चे का माइंड डेवलप हो और बच्चे सक्सेस करें। इसमें हम चाहते हैं कि पेरेंट्स और हमारे जो गाँववासी उनका और ज़्यादा योगदान हो जो हमारे स्कूल को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। पहली बार मैं यहाँ आया हूँ और बच्चे लोग को जो उत्साह
उन जो देख रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि ये बच्चे लोग कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ प्रिंसिपल है, मैडम है, ये थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा देगी कि इनकी जिज्ञासा क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, उस पर ज़्यादातर फोकस देना चाहिए। हमारे स्कूल में अभी छोटे बच्चे हैं और इतना जो किए हैं तो आगे भगवान और उन्नति करेंगे, जितने भी बड़े होंगे, अभी तो छोटे ही इतना कर रहे हैं, हमारा स्कूल इतना करवा रहा है तो और बड़े क्लास में हो जाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा और अच्छे अच्छे करेंगे। भारत विकास परिषद विद्यापति शाखा दरभंगा के तत्वावधान में प्लस टू माध्यमिक विद्यालय बसुआरा हनुमान नगर दरभंगा में जरूरतमंद बच्चों के बीच स्वेटर एवं जैकेट का वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्थान के संगठन के काफी सदस्यगण मौजूद हुए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थापना की 134वीं वर्षगांठ मनाई। बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस कर्मी उपस्थित थे। आज कांग्रेस की 134वां स्थापना दिवस, हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार के लोग बड़ी धूमधाम उत्साह के साथ मना रहे हैं। निश्चित रूप से भारत के आज़ादी में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है और देश के आज़ादी में हमारे कई पूर्वजों ने अपने जान को नछौवर करके इस देश को आज़ाद किया है। निश्चित रूप से आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने भारत के संविधान के अनुरूप इस देश को चलाने का जो गिरा उठाया, जिसमें देश की बहुत तरक्की हुई। जिस समय हम आज़ाद हुए उस समय में भारत में एक सुई नहीं बनती थी, आज भारत चंद्रयान पर है। देश के 134वां स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे दरभंगा जिला के जो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, उस खुशी में इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, इम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774 Shailendra Jha principal. Electronic products matlab Raj Electronics, Poonam Cinema Road, Darbhanga. TV, fridge, washing machine, mobile phones, microwave, RO, mixer and home theater. धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। RPF दरभंगा ने बरामद की ट्रेन से चेकिंग अभियान के दौरान 28 बोतल शराब। एक व्यक्ति को साधारण कोच से गिरफ्तार भी किया गया, जिसका नाम फूल मोहम्मद, पिता मोहम्मद यासीन, थाना तिलजला, वार्ड नंबर 66, जिला 24 परगना, पश्चिम बंगाल है। इसके विरुद्ध GRP दरभंगा द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बरामद संपत्ति का मूल्य 8,400 रुपये आंका गया है। यातायात थाना समेत विभिन्न थानों द्वारा वाहन चेकिंग अभियान लगातार चल रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। के आदेश पर ट्रिपल विदाउट हेलमेट चेकिंग किया जा रहा है और ये लगातार आदेश ऊपर के आदेश से लगातार चलता रहेगा। कितने अब तक पकड़े हैं? अभी तक 7 फाइन काटा जा चुका है। क्या रेट है फाइन का? फाइन का 177/179 MB एक्ट में 600 रुपये एक गाड़ी का काटा जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल मैदान डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे
पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में क्रिकेट टीमें आधी आबादी अपना दम दिखा रही हैं। 30 दिसंबर को इस प्रतियोगिता का समापन होना है। हर घर की लड़कियां फील्ड पे उतरे, खेले, मैच्योर हो, उतना नॉलेज बढ़े वो लोग को, तब आगे तक पहुंच पाएगी। प्रैक्टिस रेगुलर करे, कोचेस वो लोग को सपोर्ट करे, घर के लोग सपोर्ट करे, लड़कियां खेले, तब आई थिंक वो बिहार की लड़की आगे बढ़ सकती है।